टुडे वी विल रीड द थर्ड चैप्टर चीनू मकड़ी का जाल। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और ना कभी किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका अपना ही एक अलग जगह होती है, अपना अलग ही एक महत्व होता है। चंपक वन में मरगत का एक विशाल पेड़ था। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर मजे से रहते थे। उसी पेड़ पर चीनू मकड़ी भी रहती थी। वह पेड़ की शाखाओं पर अपना जाल बिछाती और उसमें फंसने वाले कीड़े मकोड़ों व मच्छरों को चट कर जाती। चीनू का ये कार्य पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षियों को फूटी आँख न भाता था। फूटी आँख न भाना मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे अक्सर उस पर नाराज हो जाते, पर चीनू उनसे कुछ कह ना पाती। बेचारी अपना मन महसूस कर रह जाती। एक दिन गुटरू कबूतर के झकाझक सफेद पंखों पर जाला लग गया। वह जरा जल्दी में था, इसलिए देख नहीं पाया था कि चीनू ने ठीक उसके घोंसले के सामने ही अपना जाल फैला रखा है। बस फिर क्या था, वह आग बबूला होकर बोला। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा आना। वो बहुत गुस्से में आकर बोला, चीनू तुझे जरा भी अकल नहीं है, मेरी सारी ड्रेस गंदी कर दी, अब फिर से मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। सॉरी गुटरू भैया, पर आपने भी तो मेरा जाला तहस नहस कर डाला है। मैं सुबह से ही इसे बुनने में लगी थी, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। लगता है आज तो मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा, रुआसी होकर चीनू बोली। ये सुनकर गुटरू और भी भड़क उठा। एक तो गलती करती है, ऊपर से जवान भी चलाती है, अभी तुझे बताता हूँ, कहकर वह उस पर झपटा। पर चीनू सावधान थी, उसे वह फुर्ती से एक दरार में घुसकर उसने अपनी जान बचाई। तब तक सारे पक्षी जमा हो गए, उन सब ने भी गुटरू की हाँ में हाँ मिलाई। हरियल तोता बोला, वाकई ये चीनू तो बहुत गंदगी फैलाती है, जहाँ देखो अपना जाला बिछाकर कीड़े मकोड़े पकड़ने में जुट जाती है। सारा पेड़ गंदा कर रखा है, जरा सी है पर न जाने कितना खाती है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो हरियल भाई, उस दिन मेरा बेटा पनारू इसके जाल में फंस कर गिरते गिरते बचा, सोनल गौरैया बोली। इस तरह गंदगी फैलाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर चीनू को यहाँ रहना है तो वह पूरी साफ सफाई से रहे, नहीं तो अपने लिए कोई दूसरी जगह तलाश ले, गुटरू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा और नहाने के लिए नदी की ओर उड़ गया। चीनू पेड़ की दरार में छिपी छिपी सबकी बातें सुन रही थी। वो बेचारी बहुत डर गई थी। शाम को वह डरते डरते गुटरू के घोंसले में पहुंची और उससे माफी मांगने लगी। तब तक गुटरू का भी गुस्सा शांत हो चुका था। वह मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं चीनू, अगर तुम गंदगी न फैलाओ तो भला मुझे तुम्हारे इस पेड़ पर रहने से क्या ऐतराज है। अब चीनू बिना जाल फैलाए ही किसी तरह कीड़ों मकोड़ों को पकड़ती और अपना पेट भरती। इस तरह कीड़ों के पीछे पीछे दौड़कर वो बहुत थक जाती थी, पर पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को इसकी कोई चिंता नहीं थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन गुटरू के बेटे मटेरू को बहुत तेज बुखार चढ़ गया, उसे बहुत तेज सर्दी लगने लगी। दो रजाइयां ओढ़ लेने के बाद भी वह थर थर कांप रहा था। ये देखकर गुटरू और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। वे उसे लेकर किसी तरह से डॉक्टर जिमी जिराफ के यहाँ पहुंचे। सारी जांच करने के बाद जिमी ने कहा, इसे तो मलेरिया बुखार है, लापरवाही करने से ये जानलेवा हो जाता है, ठीक से इसका इलाज करवाओ। मलेरिया क्या गंदे पानी से होता है डॉक्टर साहब, गुटरू ने जानना चाहा। नहीं, मलेरिया गंदे पानी से नहीं बल्कि मच्छरों के काटने से होता है। मटेरू के साथ 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 तुम लोगों को भी मच्छरों से बचना होगा, नहीं तो तुम्हें भी मलेरिया हो सकता है। जहाँ तुम रहते हो क्या वहाँ बहुत मच्छर हैं, गुटरू बोला। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से हमारी बरगद कॉलोनी में मच्छरों की भरमार गई है, समझ में नहीं आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद वह डॉक्टर जिमी से दवा लेकर चला तो आया, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे मच्छर उसे ना काटे। लेकिन शाम होते होते चीनू ने उसकी सारी परेशानी दूर कर दी। गुटरू भैया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके घोंसले को इस तरह से अपने जाल से घेर दूंगी कि मच्छर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, सारे के सारे मेरे बनाए जाल में फंस जाएंगे। उसकी परेशानी जानने के बाद चीनू ने कहा, लेकिन हम लोग अपने घोंसले से बाहर कैसे निकल पाएंगे, गुटरू की पत्नी ने पूछा। उसके लिए मैं एक गुप्त रास्ता बना दूंगी दीदी, चीनू ने कहा। वाह, तब तो ठीक रहेगा, उत्साहित होकर गुटरू बोला। जल्दी ही चीनू ने गुटरू के घोंसले के चारों ओर अपना जाला बुन दिया। वाह चीनू, तुमने तो कमाल ही कर दिया, कल रात मेरा परिवार बहुत दिनों के बाद मजे की नींद सोया।
नहीं तो इन मच्छरों ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया था, धन्यवाद, उसका आभार जताते हुए गुटरू ने कहा। नहीं, धन्यवाद देने की जो कोई जरूरत नहीं गुटरू भैया, हम सब बरगद कॉलोनी के लोग हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह ही तो हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख में हमें काम आना चाहिए, मतलब हमें एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ही चाहिए, जीनू ने जोर देकर कहा। तुम वाकई बहुत बड़े दिल की हो चीनू, मैं उस दिन बेकार में ही तुमसे नाराज हो गया था, मुझे माफ कर देना, गुटरू ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा। चीनू कुछ न बोली, बस खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही, वह वाकई बहुत खुश थी। वह अब फिर से पेड़ पर कहीं भी अपना जाला बुन सकती थी, क्योंकि अब सारे पक्षी इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि चीनू के इतने दिनों तक जाला न बुनने के कारण ही बरगद कॉलोनी में मच्छरों की भरमार हो गई थी। अब इस लेसन से, इस पाठ से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? पहले तो ये कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को छोटा या किसी को बड़ा मानना समझना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना चाहिए, मदद करना चाहिए, मतलब दूसरों की। अब आपको होमवर्क में ये लेसन रीड करना है, नेक्स्ट टाइम पर मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। थैंक यू।